तो इधर टीवी चल रहा है और बैठ के एक भांजा दूसरी भांजी दोनों बैठ के टीवी देख रहा था। और यहाँ है हमारा गिफ्ट रूम, यहाँ पे देखिए कमरे का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। म्याओ क्या कर रहे हो तुम? म्याओ म्याओ क्या कर रहे हो साला? अंदर घुस के क्या कर रहा है पता नहीं, ये अपनी दुनिया में मगन है। चलो इसको ये सो जाओ सो जाओ। हाँ कोई आएगा इसके ऊपर बैठेगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा। वो बोल रहा है मुंडी थोड़ा निकाल लेता हूँ, ऐसे रखता हूँ इसको। और यहाँ है सारा गिफ्ट आइटम, अभी थोड़ा सा निकल के जाते हैं, आके ये सब खोलेंगे आज और क्या क्या है क्या क्या नहीं है सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो शादी का सारा वीडियो वगैरह मैंने आपको दिखाया, हाँ जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश किया था, सब कुछ नहीं दिखा पाया, उसके लिए एकदम दिल से सॉरी है। बाकी आज आज है सैटरडे और कल है संडे, हर संडे को दुल्हन हमारा वापस आएगा। मतलब क्या है, जिस दिन शादी हुआ उसके अगले दिन ही दुल्हन अपने घर वापस चले जाती है, और दुल्हन को लाने के लिए फिर से हमको जाना है, और उसके बाद वापस हम लोग लाएंगे, उसके बाद परमानेंट यहाँ रहेगा। मतलब उसके बाद से कोई रस्म वगैरह नहीं, ख़त्म हो जाएगा पूरा, और वो वाला रस्म भी बाकी है। तो जितना हो सके हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है शादी के 8 दिन बाद लाना होता है, वो आठमंगला होता है, और लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे हाथ में, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सब कुछ रस्म वगैरह कम्प्लीट करके सारा कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अभी थोड़ा निकल के जा रहे हैं, 2-3 जगह पेमेंट वगैरह करना है, वो सब करके आता है, सारा कुछ निपटाता है, और बाकी आने के बाद कल का तैयारी भी करना है। चलो तो अभी आया था मैं मार्केट, और यहाँ पे दुकान में जाके जो भी पेमेंट वगैरह करना सब कुछ कर दिया, और जाते वक्त एक बिस्किट और थोड़ा सा बादाम लेके अभी जा रहे हैं सीधा घर। तो यहाँ पे भांजा भांजी दोनों बैठे हुए गाड़ी पे, मैं गाड़ी लेके आया था, और एक बिस्किट और थोड़ा सा बादाम लेके अभी जा रहे हैं दूसरी जगह पे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत करना है काम, मतलब पेमेंट करना है, और पेमेंट वगैरह करने के बाद देखते हैं थोड़ा सा घूमने जाएंगे या तो सीधा घर जाएंगे, देखते क्या करते हैं। तो अभी आके हम लोग पहुँच चुके हैं जूडियो, हाँ ये है जूडियो। तो मैं सारा काम निपटा रहा था, उसी में भैया का भी कॉल आ गया, भैया ने बोला कि मैं भी आ रहा हूँ, और आज करते दोनों भांजे के लिए अपना शॉपिंग, मतलब दोनों भांजे बहुत दिनों के बाद आए तो भी दोनों के लिए शॉपिंग करते हैं। तो भैया से मिला मैं, भैया को गाड़ी से लाया, और उसके बाद तीनों भी बाहर है, भैया और दोनों भांजे बाहर है, वो लोग जूडियो जाने के लिए अंदर जाने के लिए रेडी है। मैंने बोला कि गाड़ी लगा के आता हूँ मैं, आप लोग बाहर वेट करो, अभी मैं भी जाता हूँ एक साथ शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद बोलते हैं आपको क्या करते हैं। तीनों इधर बाहर रुके हुए हैं और अंदर नहीं जा रहे हैं तीनों। एक्चुअली क्या है, भैया तो रेडी होके आ गए थे, मैं तो इन दोनों को ऐसे घुमाने लेके लेके आ गया था, मेरा तो काम था इधर से जाने का, मैंने बोला कि गाड़ी में बैठे रहना मैं अपना काम करते रहूँगा, तुम लोग टेंशन नहीं है, जैसे वो ऐसे चल लो। तो घर में जैसे थे वो लोग ऐसे भी उनको उठा के लाया था, और अभी ये दोनों नखरे कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग नॉर्मल कपड़ा मतलब घर में पहनने वाला कपड़ा पहन के आए, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे। मैंने बोला कि मैं भी ऐसे आया हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे हैं। तो इनको पहले घर लेके जाते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज कराते हैं, ड्रेस चेंज करेंगे ये लोग, उसके बाद फिर से आएंगे। तो चलो थोड़ा काम बढ़ गया लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे, चलो बैठो बैठो बैठो। हाँ तो हम लोग घर गए और घर जाके वापस भी आ गए, और साथ में पूजा भी हमारे साथ ही आया है, और सबको मैंने उतार दिया, उसके बाद गाड़ी पार्किंग में लगा के अभी जा रहा हूँ जूडियो के अंदर। जूडियो में वो लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं, और मैंने बोला कि मैं गाड़ी लगा के आता हूँ आप लोग पहुँचो, तो सब लोग अंदर ही है, तो मैं जाता हूँ अभी अंदर। दोनों भांजा भैया और पूजा सब लोग अंदर ही है, तो चलते हैं अभी अंदर, तो देखते हैं वो लोग क्या शॉपिंग करते हैं, अगर कुछ पसंद आ गया तो हम भी अपने लिए ले ही लेंगे। तो चलते हैं अंदर। इनको देखो यहाँ पे खड़ा हो गया, क्या देख रहे पता नहीं, इनका कपड़ा भी नहीं है, ये क्या देख रहे हो, सोना है हाँ, कपड़े ढूंढो कपड़े। और देखो लड़कियों का शौक, हाँ जी और पूजा दोनों आके यहाँ पे, क्या चप्पल चाहिए, चप्पल देख रही हूँ। ओके तो शॉपिंग मॉल तो आ ही गया था, लगे तो मैंने भी सोचा कि एक दो कपड़ा ले लेता हूँ, ये मैंने ट्राई कर लिया, ये ट्राई करता बाकी ये सब सारा ट्राई करते हैं, और ये मैंने ऑलरेडी पहन के रखा है, तो कैसा लगा बिल्कुल बताना, और मस्त लग रहा है मतलब कपड़ा पहन के, यहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग करके एक साथ ले जाता हूँ, क्योंकि बार बार तो आना होता नहीं है, और जब भी आता हूँ एक साथ। तो हमने शॉपिंग तो काफ़ी कर लिया, एक बैग पूरा फुल, दूसरा बैग पूरा फुल, लेकिन मैंने काफ़ी कपड़ा देखा, काफ़ी कपड़ा ट्राई भी किया, लेकिन एकदम भी मज़ा नहीं आया इतना, मतलब अभी बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, और चॉइस बहुत कम है पहनने का, मेरे को सूट नहीं किया, तो मैंने एक दो टी शर्ट ले लिया बस, और यहाँ से अभी निकलते हैं, हमने भांजे के लिए थोड़ा सा कपड़ा देखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी जाएंगे किड्स वेयर फर्स्ट फ्लोर पे, तो चलते हैं। चलो आपने लिया नहीं लिया, मजाक करते हो, ये क्या है।
तो हम लोग का हो चुका है शॉपिंग पार्ट डन। तो दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं और क्या खरीदा जाए, और हम लोग का शॉपिंग पार्ट डन हो चुका है और इधर भैया कर रहे हैं बिलिंग वगैरह और बाकी ऑल डन। तो हमारा बिलिंग वगैरह सारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे एक थैली है और उस साइड भैया के हाथ में एक थैली है और दोनों मिला के अनएक्सपेक्टेड बिल हुआ है, मतलब आज तक का लाइफ का सबसे हैवी बिल हम लोगों ने पे किया भाई साहब। तो एक बार के लिए तो मेरे दिमाग में चक्कर आ गया था, फिर मैंने अपने आप को दिलासा दिया कि ये सिर्फ हम लोग मतलब सबका कपड़ा है ये। हाँ सिर्फ मतलब एक जन या दो जन का नहीं है, हम सब ने कुछ ना कुछ ले लिया। हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ ले लिया, पापा के लिए भी थोड़ा कुछ लिया है, मम्मी के लिए भी थोड़ा कुछ लिया है और दीदी के लिए भी कुछ लिया है। तो सबका कपड़ा हिसाब से 20,000 बिल चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब हाथ दुख रहा है मेरे, छोड़ना मत लेकिन दे। तो हम लोग का शॉपिंग पार्ट डन, और शॉपिंग करने के बाद भैया को क्या कीड़ा हुआ है पता नहीं, बोल रहा है मेरा शादी हो गया अब मेरा डाइटिंग खत्म, अब टेस्ट करेगा डोमिनोज। हमने वो दो दिन महीने से डाइटिंग पे था, डोमिनोज वगैरह कुछ भी नहीं खाया था, अभी शादी के लिए डाइटिंग कर रहा था, मतलब शादी खत्म अब डोमिनोज खाएगा। मैंने इतना मना किया लेकिन वो माना नहीं, मेरे को बोलते हैं अगर मेरे को नहीं लेके गए तो फिर मैं घर जाके अकेले आके खा के जाऊँगा। तो मैंने बोला कि चलो इसी बात पे चले ही जाते हैं। तो हम लोग अभी डोमिनोज पहुँच गए, अंदर जाते हैं ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे नहीं खाएंगे, पैकिंग करके लेके जाएंगे। चलो तो हमने ऑर्डर तो कर दिया है और बैठे बैठे यहाँ बोर भी हो रहे हैं, तो शुरू करें अंताक्षरी। तो गाना गाओ, एम से गाओ, एम से माँ से माँ माया मिनी रातिर बुकु देखा पालू दुमार सोबी। तो हम लोग चलते हैं अंताक्षरी, आप लोग थोड़ा वेट करो, हम भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग का ऑर्डर आ गया है, बहुत सारा पिज्जा है जो घर पे जाके खाएंगे सबके साथ बैठ के, लेकिन यहाँ पे एक ले लिया हमने टेस्ट करने के लिए, और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो फिर ये गरम गरम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इन दोनों को मेनली खिलाना है, इन दोनों ने नहीं खाया, हम लोगों ने तो ऑलरेडी खा के रखा है, फिर भी सब लोग खाएंगे। खाना पीना दन, अभी चलते हैं घर। चलो अभी जल्दी जल्दी पहुँचते हैं घर, क्योंकि घर जाके एक जो काम शुरू किया था करने के लिए घर में, मतलब ट्राई किया था करने के लिए, वो भी करना बाकी है, सारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग करना है, इसलिए पूजा भी जा रही है। ये ज्यादा एक्साइटेड है, इसको घर इसलिए नहीं जाने को दिया, आज पैकिंग खोलना है, गिफ्ट गिफ्ट सारा खोलना है। एक्साइटेड हम भी है, ऐसा नहीं कि हम नहीं है, हम भी है, क्या है क्या अंदर नहीं जो है भी हो, खोलने में मजा है, खोलने में बहुत मजा आता है। चलो अभी घर जाते हैं और अभी गिफ्ट खोलने का टाइम है। अभी और देखते ही देखते टाइम हो चुका है 9:30, ऑलमोस्ट 9:30 हो चुका है। तो आके हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर का हालत बुरा है एकदम, मतलब हाल ही बुरा है। तो घर में कुछ भी हो, मतलब शादी बर्थडे कुछ भी हो, उसके बाद का एक दो दिन हालत खराब ही रहता है, वो सुधारने में काफ़ी दिन लग जाता है, 2-3 दिन लग ही जाएगा। और यहाँ पे सब्जी रेडी कर रही है दीदी और मम्मी खाना बना रहे हैं, और हम लोग ने क्या किया आके ही आपको दिखाते हैं। पहले जो जाते वक्त आपको बोला था कि सबको गिफ्ट खोलना है, उससे पहले हमने आधा गिफ्ट हम लोग यहाँ लेके आ गए, यहाँ पे पूरा भर्ती कर दिया गिफ्ट और आधा वहाँ पे। तो आधा अभी भी गिफ्ट के जगह पे ही है, लेकिन सारा नहीं लाएंगे, सारा लाएंगे तो रात से सुबह हो जाएगा, सुबह से रात हो जाएगा, ऐसा कुछ माहौल बनने वाला है। और कल हमको जल्दी घर से निकलना है, अर्ली मॉर्निंग घर से निकलना ही है। कैसे क्यों निकलना आपको थोड़ी देर में बताते हैं, और उससे पहले थोड़ा बहुत गिफ्ट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। और आप लोगों को ये दिखाने का मेन रीजन ये है कि हमको जोर से गिफ्ट खोलने का मन हो रहा है, क्योंकि हम लोग को भी गिफ्ट खोल के मजा आता है। और ये देखो ये क्या लेके बैठी है, कौन लाया ये भैया? हाँ भैया का तो कोई दोस्त ही लाया होगा, लेकिन क्या देखने में मजेदार है, आज भी अच्छा ही है ना। हाँ ओरिजिनल फ्लावर है ना ये, देखने में मस्त है, आज तक मेरे को ऐसा कुछ मिला ही नहीं है, और मैंने भी किसी को नहीं दिया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फूल तो अच्छा लगता है, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फूल, लेकिन गिफ्ट के तौर पर अगर फूल दिया जाए 2 दिन में वो मुरझा जाए, वो मतलब फील खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने आज तक किसी को दिया भी नहीं और मुझे भी नहीं मिला, और मैं चाहता भी नहीं कि मुझे मिले, बस देख के मजा आता है। यहाँ पे गिफ्ट खुलना स्टार्ट हो गया है, मेनली जोश इन दोनों का है, ये एक ये दो, इन दोनों का मेन जोश, और पूजा भी कम नहीं है, देखो झगड़ा करने में माहिर।